हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिंथेसिस के तीसरे टॉपिक यानी सिंपल सेंटेंस बनाने के तीसरे नियम यानी बाय यूजिंग इन्फिनिटिव का प्रयोग इन्फिनिटिव का प्रयोग करके हम आपको सिंपल सेंटेंस बनाना बताएंगे। इसके पहले हमने आपको पार्टिसिपल का प्रयोग और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का नियम पढ़ाया था। हमको आशा है, उम्मीद है कि आपको दोनों नियम समझ में आ गए होंगे। तो आज हम आपको यूज ऑफ इन्फिनिटिव का प्रयोग, पहले आप इन्फिनिटिव समझ लीजिए। इन्फिनिटिव भी पार्टिसिपल की ही तरह क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसका भी टेंस के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। अब यहाँ पर हम इसको बनाते कैसे हैं, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देते हैं। अब जब हम उसके पहले टू लगा देते हैं तो उसको हम जब हिंदी में ले जाते हैं तो उसका अर्थ निकलता है नानी ने। नानी ने मतलब क्या होता है, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टू वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ, तो जो क्रिया थी हमारी वाक के पहले में टू लगा दिया तो इन्फिनिटिव बन गई। इसी प्रकार जैसे कहना है कि मैं ताजमहल देखने आगरा गया, तो ताजमहल देखने ने लगा हुआ है, यानी जो देखना क्रिया है वो हमारी क्या बनेगी, इन्फिनिटिव बनेगी। इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं। अब ऐसे भी एक चीज़ और समझ लीजिए, जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं वहाँ पर हमें दो वाक्य दिए जाते हैं, दो वाक, तीन वाक, चार वाक्य, उन्हीं को जोड़ करके हमें सिंगल बनाना होता है, सिंपल सेंटेंस बनाना होता है सिंगल। तो अब हम जैसे मान लीजिए कोई वाक्य हमको दिया गया, तो अब हमको ये देखना है कि कौन सी क्रिया मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग की जा सकती है और कौन सी क्रिया को हम पार्टिसिपल बना सकते हैं। तो अब हमको जब वाक्य मिलेगा उसका पहले हिंदी में उसका अर्थ समझेंगे और इसके बाद देखेंगे कौन सी क्रिया का उद्देश्य, कौन सी क्रिया पूरा कर रही है। जैसे हमने अभी एक वाक्य आपको बताया कि मैं आगरा ताजमहल देखने गया, तो इसको दो वाक्यों में अगर डिवाइड करें तो मैं आगरा गया और मैंने ताजमहल देखा। तो मैं आगरा गया किस लिए, ताजमहल देखने। तो जो गया है वो क्या है, मुख्य क्रिया है, क्योंकि वो कार्य पहले किया जा रहा है। जो कार्य पहले किया जाता है वो हमारी मुख्य क्रिया होती है। इसका उद्देश्य जो हो रहा है, उद्देश्य क्या है, देखना, तो वो देखना जो क्रिया है वो हमारी आपकी बन जाएगी पार्टिसिपल। तो इसी तरह से हमें जब हमको दो वाक्य मिले तो हम उस वाक्य में देखेंगे कौन सी क्रिया किस क्रिया का, यानी कौन सी क्रिया पहले या जो पहली क्रिया का उद्देश्य पूरा कर रहा है। तो जब हम इसको देख लेंगे तो हमारा वाक्य बहुत आसानी से बन जाएगा। वैसे भी बहुत सारे वाक्यों में टू लगा मिलेगा आपको, यानी टू इन्फिनिटिव बना मिला मिलेगा आपको, क्रिया जो मिलेगी इन्फिनिटिव ग्रुप में, तो उसमें केवल होता क्या है, पहले वाक्य में हमको जोड़ देना होता है। अब जैसे वाक्य मिल गया हमें, आई वेंट टू आगरा, आई वॉन्टेड टू सी द ताज, तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो बना देंगे क्लियर कि आई वेंट टू आगरा टू सी द ताज, हमारा वाक्य बन गया, हमारा सिंपल बन गया, एक वाक्य हो गया हमारा। तो हमको यहाँ पे बस केवल ये देख लीजिए कि पहले वाक्य मुख्य क्रिया, जो पहले वाक्य क्रिया का उद्देश्य दूसरे वाक्य किस क्रिया से हो रहा है, यानी कि उसमें दो क्रिया है तो आप दोनों जोड़ देंगे, एक जिस क्रिया से का उससे उद्देश्य पूरा हो रहा है उसी क्रिया के पहले टू लगा करके पहले वाक्य में जोड़ देंगे। कुछ वाक्य ऐसे मिलेंगे आपको, हो सकता है उल्टा मिल जाए, तो वहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी क्रिया पहली क्रिया को, मतलब जो क्रिया जिस क्रिया का उद्देश्य पूरा करेगी वो उद्देश्य पूरा करने वाली क्रिया हमेशा टू से जोड़ी जाएगी और बाकी मुख्य क्रिया रहेगी। तो अब देखिए, हम कुछ वाक्य हमारे पास बोर्ड में लिखे हुए हैं, इसको समझ लीजिए। मैन वर्क्स डे एंड नाइट, ही हैज़ टू सपोर्ट हिज फैमिली लिखा हुआ। जैसे अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है, आदमी दिन और रात काम करता है, उससे अपने परिवार को सहारा देना होता है। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो आदमी अपने परिवार को सहारा देने के लिए दिन रात काम करता है,
यानी आदमी अपने मनुष्य को, अपने परिवार को सहारा देने के लिए दिन रात काम करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर देखिए, पहला वाक्य तो मुख्य हो गया क्योंकि अब इसमें तो सीधा वाक्य लिखा हुआ है, मैन वर्क्स डे एंड नाइट। अब हमारा उद्देश्य इस क्रिया क्या है, वर्क्स। वर्क्स का उद्देश्य क्या, कौन पूरा कर रहा है, टू सपोर्ट हिज फैमिली, परिवार को सहारा देना, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा उद्देश्य कहाँ पे पूरा हो रहा है, टू सपोर्ट हिज फैमिली, वही हमने जोड़ दिया इसमें, टू सपोर्ट हिज फैमिली, टू सपोर्ट हिज फैमिली, ये हमारा बन गया। तो मैन वर्क्स डे नाइट टू सपोर्ट हिज फैमिली। इसी तरह से एक वाक्य और देखें, ही वेंट टू कानपुर, वो कानपुर गया, ही वांटेड टू सी द जू, वो क्या चाहता था, चिड़ियाघर देखना, तो वह कानपुर गया, तो ही वेंट टू कानपुर, और उद्देश्य क्या है, टू सी द जू, चिड़ियाघर देखना, इसको हमने जोड़ दिया, टू सी द जू बन गया हमारा वाक्य। इसी तरह तीसरा वाक्य देखें, ही वांट्स टू स्टडी, वो पढ़ना चाहता है, ही हैज़ गॉन टू आगरा, वो आगरा चला गया है। अब इस वाक्य में देखिए, वो पढ़ना चाहता है, वो आगरा चला गया, तो यहाँ तो पहले वाक्य मुख्य था, उसी सब जुड़ गया। अब यहाँ पर क्या है, उद्देश्य हमारा यहाँ पे छुपा हुआ है, यानी वो आगरा किस लिए गया है, पढ़ने के लिए, तो हम उस वाक्य को पहले लेके आएंगे। तो ही हैज़ गॉन टू आगरा, ठीक है, हमारा मुख्य काम क्या है, वो आगरा चला गया है, किस लिए गया है, पढ़ने के लिए, ये बन गया हमारा। तो अगर वाक्य में हम देख लेंगे कौन सी क्रिया किसका उद्देश्य पूरा कर रही है, अगर ये कन्फर्म हो जाएगा तो आप वाक्य बना सकते हैं, इसको क्या बना देते आप, ही वांट्स टू स्टडी टू आगरा, यानी वो पढ़ रहा है आगरा जाने के लिए, तो ये फिर वाक्य अर्थ नहीं निकले, गलत हो जाएगा। तो हमने इसमें क्या बनाया था, वो कानपुर चाहे वो आगरा चला गया है, किस लिए, पढ़ने के लिए। तो हमारा उद्देश्य पहले वाक्य में था, इसलिए हमने उस पहले वाक्य मुख्य वाक्य हमारा ये था, इसको उठा लिया पहले, फिर उसके उद्देश्य पूरा कर दिया। तो समझ में आ गया ना ये, हाँ। आगे देखिए कुछ और रूल्स हैं, कुछ और मतलब वाक्य देखिए। अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, He is very weak. फुल स्टॉप। He cannot walk properly. वह बहुत कमज़ोर है और वह अच्छी तरह से चल नहीं सकता। वह बहुत कमज़ोर है, मतलब वो अब चल नहीं सकता अच्छी तरह से। अब ये भी हमारा, अगर आपको ध्यान होगा कि हमने रिमूव टू नियम पढ़ाया था, जहाँ पर एडवर्ब टू को हटाना और फिर ऐड ऑफ एडवर्ब टू पढ़ाया था, जहाँ पर टू को जोड़ा था, और वहाँ पर बताया था कि जब हम कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे तो वाक कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जब वो हट जाएगा यानी ऐड टू करेंगे तो हमारा वाक सिंपल बन जाएगा। अब उसी का नंबर आ गया, तो अब हमको ये देखना है वेरी या क्वाइट, ये दो शब्दों का अगर प्रयोग है और दूसरे वाक्य में कैन या कुड नॉट का प्रयोग है, तो अब हमको ये समझ लीजिए कि हमको एडवर्ब टू का ही प्रयोग करना है, यानी इनको हटा करके, कौन कौन से, इस शब्दों को हटा करके यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एडवर्ब टू, इन शब्दों को हटा करके दोनों को वहाँ पर एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद यहाँ से सब्जेक्ट और कैन नॉट को हटा करके ये हिस्सा यहाँ पर क्रिया जो है दूसरे वाक्य क्रिया को हम इन्फिनेटिव बना देंगे। तो अब देखिए, जैसे ही इज टू वीक और इसके बाद टू लगा दिया और वर्ब को बना दिया इन्फिनेटिव जोड़ दिया, तो बन गया ही इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। तो कहने का मतलब ये कि जहाँ पर वेरी और क्वाइट का प्रयोग है और दूसरे वाक्य में कैन या कुड नॉट का प्रयोग है, तो वहाँ पर हम ऐड टू यानी एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे और दूसरे वाक्य से करता और कैन नॉट को हटा करके टू का प्रयोग कर देंगे।
हाँ, इसी तरह एक वाक्य और देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है नीता इज वेरी पुअर, नीता इज वेरी पुअर, सी कैन नॉट कैरी ऑन हर स्टडीज, कैरी ऑन हर स्टडीज, यानी बहुत गरीब है, वो अपनी शिक्षा आगे बढ़ा नहीं सकती, अब नहीं पढ़ सकती, इसका मतलब है। तो नीता इज, इसको हटा के टू पुअर, और फिर ये पूरा हट जाएगा आपका, फिर टू क्रिया को हम इन्फिनिटिव बना देंगे, तो टू कैरी ऑन हर स्टडीज, ये बन गया हमारा। तो जहाँ पर टू या क्वाइट का प्रयोग है, टू माने अत्यधिक होता है, या क्वाइट QUIT क्वाइट वाले भी अत्यधिक होता है, और दूसरे वाक्य विभाग में कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग है, तो वहाँ पर हम एडवर्ब टू का प्रयोग करते हुए बनाएंगे। वेरी या क्वाइट को हटा करके एडवर्ब टू लगा देंगे, और दूसरे वाक्य से कर्ता और कैन नॉट को हटा करके वहाँ पर जो भी क्रिया है उसको हम इन्फिनेटिव बनाते हुए पहले वाक्य में जोड़ देंगे। तो ये आपका इन्फिनेटिव टू बाई यूजिंग इन्फिनेटिव हो गया। तो इसमें क्या, अब इसमें नियम कौन कौन से आपके आ गए? एक आ गया आपको कि अगर पहले वाक्य क्रिया का उद्देश्य या दूसरे वाक्य क्रिया का उद्देश्य पहले वाक्य में, या पहले वाक्य क्रिया का उद्देश्य दूसरे वाक्य में प्रकट हो रहा है, तो जिस क्रिया से उद्देश्य प्रकट हो रहा है उस क्रिया के पहले टू लगाकर उस वाक्य को पहले वाक्य में हम जोड़ देंगे। अगर उसमें टू लगा हुआ तो कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए कोई क्रिया ऐसी है उसमें टू से जुड़ी हुई इन्फिनिटिव बनी हुई ऑलरेडी, तो फिर उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं, फिर तो उसी की तरह उठा लेंगे। नहीं लगा हुआ है तो वहाँ पर हम टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हमने बताया कि अगर आपके वाक्य में वेरी या क्वाइट का प्रयोग है तो वहाँ पर भी हम इसको हटा करके एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे, और कैन नॉट या कुड नॉट को हटा करके वहाँ पर क्रिया को टू से जोड़ करके इन्फिनिटिव बना देंगे और वाक्य में जोड़ देंगे। तो ये हमारा तीसरा नियम था बाय यूजिंग इन्फिनिटिव। आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, सरल नियम था, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और ऐसे नियमों का पालन करते हुए वाक्य बनाते रहिए। सिंपल सेंटेंस है और ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसमें और सारे नियम हैं, उनके बारी बारी से हमको आपको पढ़ाते रहेंगे, और इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो आप इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ध्यान से नियमों को देखिए, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।